देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसानों की वेशभूषा में देश द्रोहियों ने अपने मंसूबे पूरे कर लिए हैं। देश की धरोहर लाल किले पर चढ़ाई कर अपनी पार्टी का झंडा लगाकर किसानों की वेशभूषा में खालिस्तानी समर्थकों ने बेशर्मी भरी सभी हदें पार कर दी है। कुछ किसानों की आड़ में खालिस्तानी समर्थक देश की पुलिस पर तलवार से हमला करते हुए भी देखे गए। बेहद ही बेशर्मी के साथ पुलिस पर हथियारों से हमला किया गया। लोहे की रोड से भी उन पर हमला किया गया और उपद्रवी किसान और खालिस्तानी समर्थक देश की धरोहर देश की संपत्ति का भी नुकसान किया। इस दौरान सरकार ने संयम के साथ काम लिया। किसानों के साथ दिल्ली पुलिस के बीच करार जो हुआ था वो करार था कि आप तयशुदा रूट पर ही जाएंगे, लेकिन किसान अपना करार भूल गए या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया। लाल किले में दाखिल होने के बाद तिरंगे का अपमान किया गया, साथ ही परेड में शामिल हुई झांकियां भी तोड़ी गई, जिसमें केदारनाथ की झांकी, राम मंदिर की झांकी थी और भी कई झांकियां थी जिन पर हमला किया गया। अब दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भी दिल्ली में हो रही हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान और तमाम बॉर्डरों पर बैठे किसानों की हरकतों पर भी गृह मंत्रालय नजर बनाया हुआ है। कल क्या हुआ, किसके इशारे पर हुआ, दिल्ली में कहां कहां हिंसा हुई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरा देश 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की वेशभूषा में खालिस्तानी किसान आंदोलन में घुसे और अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। दरअसल किसान नेताओं ने काफी बहस और जिद और संविधान का हवाला देकर सरकार से गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ट्रैक्टर परेड निकालने की आज्ञा भी दे दी गई। लेकिन जो हुआ इस ट्रैक्टर परेड में वे बेहद ही शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उपद्रवियों की ओर से शर्मिंदगी भरा कारनामा यहाँ देखा गया, उसे पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा। लाल किले पर जहाँ केवल तिरंगे की जगह है, वहाँ किसी अन्य पार्टी का झंडा लगाना दुर्भाग्यपूर्ण था। लाल किले पर उपद्रव करने वालों से तमाम किसान नेताओं ने अब किनारा कर लिया है, उसे निंदनीय बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा में शामिल किसान और उपद्रवियों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। साथ ही आरोप भी लग रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थकों ने लाल किले पर झंडा लगाने के लिए 1,80,00,000 का इनाम रखा था। यह अपील की गई थी सिख फॉर जस्टिस की ओर से। साथ ही पंजाब के सिंगर और एक्टर दीप सिंधु पर भी लोगों को भड़काने का आरोप लग रहा है। एक वीडियो में वो लोगों को भड़काते हुए देखे भी जा सकते हैं। और खालिस्तानी एजेंडे के तौर पर जब एक सरदार जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां अन्य पार्टी का झंडा लहरा रहा है और वो चुपचाप खड़ा हुआ सिर्फ देख रहा है, जिसको लेकर बवाल भी शुरू हो गया है और ये वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं दीप सिंधु पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। लाल किले पर उपद्रवियों ने अन्य पार्टियों का झंडा लगाकर देश के तिरंगे का अपमान किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक उपद्रवी सरदार तिरंगा फहराने वाली जगह पर चढ़ जाता है और एक अन्य युवक उसे तिरंगा फहराने को देता है, लेकिन वो उपद्रवी सरदार तिरंगे को दरकिनार कर देता है और अपनी पार्टी का झंडा वहां लगा देता है। ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप भी देखिए। किसान आंदोलन का सहारा लेते हुए खालिस्तानियों ने अपने एजेंडे को बढ़ावा दिया है और बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है। कई राजनेताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि इस हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस संगठन का हाथ है। साथ ही पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सीधे तौर पर पंजाबी एक्टर दीप सिंधु पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सिख फॉर जस्टिस संगठन के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। साथ ही पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने भी दीप सिद्धू से किनारा कर लिया है।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीट के माध्यम से ये कह चुका हूँ और साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार से दीप सिंधु का कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने घटना की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने की मांग की है। एक निजी चैनल से बात करते हुए सांसद ने ये बयान दिया है कि सिख फॉर जस्टिस अमेरिका में एक्टिव संगठन है और अलग देश खालिस्तान की मांग का समर्थक है। खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए कई उपद्रवी किसान आंदोलन में जबरदस्ती घुस गए और वहां अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। एक फोटो खूब वायरल हो रही है जिसमें खालिस्तानी समर्थकों के साथ पंजाबी एक्टर दीप सिंधु खालिस्तानियों के साथ बैठे हैं और उनके द्वारा खालिस्तानी किताब पकड़े हुए हैं। इस किताब के फ्रंट पे लिखा है शहीद खालिस्तान, जिसमें खालिस्तानी आतंकी की फोटो भी लगी हुई है। इस घटना से पूरे देशवासियों में रोष पैदा हो गया है। साथ ही किसान आंदोलन खालिस्तानियों के आगमन और समर्थकों से कमजोर भी हो गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शर्मसार करने वाली ये घटना दिल्ली के कई इलाकों में हुई। लाल किले सहित कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आपात बैठक भी बुलाई थी। बैठकों का सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिंसा की निंदा की है। संघ ने कहा है कि लाल किले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस जैसे पावन मौके पर हिंसा और अशांति बेहद दुख एवं निंदनीय है। इस उपद्रव में 109 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तमाम उपद्रवियों ने दर्जनों वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया है। हजारों की भीड़ में उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। किसान नेताओं की बेशर्मी तो देखो। किसान नेता राकेश टिकैत को लगता है कि यहां हिंसा जैसा कुछ नहीं हुआ। टिकैत ने इस संबंध में जो ट्वीट किया है उससे यही लगता है कि उनकी नजर में ये हिंसा नहीं शांति है। तो देखा आपने दिल्ली के कई क्षेत्रों में उपद्रवियों ने कैसा तांडव मचाया। 200 से अधिक उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई नेताओं पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इस हिंसा के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें। नमस्कार।